माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ होम रेमेडी जो स्पेशली है प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि क्यों हमें ये प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो पहले ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर चेक कर लें और जान लेंगे क्या क्या रीजन होते हैं जिसके कारण आपको ये प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को करना पड़ता है फेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे हेयर पैक जो काफी ज्यादा अच्छे हैं प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज गाइस लेट्स। फर्स्ट हेयर पैक मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने 4 चम्मच लेने हैं आमले पाउडर के और उसमें 2 स्लाइसेस मिक्स करने हैं मैंगो के। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है और मैंगो काफी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, तो आप एक मैंगो ले लें और उसके 2 स्लाइसेस को कट करके अच्छी तरह से 4 चम्मच आपने आमला पाउडर ले लेना है, उसमें मिक्स करके अच्छी से पेस्ट रेडी कर लेनी है और इस पैक को आपने अपने बालों पे कम से कम 1 घंटा जरूर अप्लाई करके रखना है, क्योंकि आमला और मैंगो दोनों ऐसे आप कह सकते हो फूड प्रोडक्ट हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे हेयर के लिए और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप इस हेयर पैक को कम से कम 1 घंटा अप्लाई करके रखें, देन अपना हेड को कर लें वॉश। तो ये है फर्स्ट हेयर पैक प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम के। तो सेकंड मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपने 2 चम्मच आमले के जूस में 2 चम्मच आलमंड ऑयल को मिक्स कर देना है और ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में कॉपर पाया जाता है और आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपने इस मिक्सचर के साथ अपने रूट्स की अच्छी तरह से धीरे धीरे से मसाज करनी है, फिर मसाज करने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। तो ये है मेरा सेकेंड होम रेमेडी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की। नेक्स्ट होम रेमेडी ये है कि आप गाय से बना जो घी होता है उसको ले लें और उसकी हेल्प के साथ अपने हेयर रूट्स की अच्छी तरह से मसाज करें। इससे आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी और जिनको ये प्रॉब्लम हो भी गई है उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है ये गाय का घी। याद रहे आपने गाय का ही घी लेना है और उसके साथ अपने हेयर्स की अच्छी तरह से मसाज करनी है, देन आप अपने हेयर को बाद में वॉश। मेरी नेक्स्ट होम रेमेडी ये है कि आपने सूखे आमले को ले लेना है और उसको कोकोनट ऑयल में कुछ दिन के लिए डिप करके रखना है। तो आप कम से कम 3-4 दिन तक सूखे आमलों को कोकोनट ऑयल में यानी कि नारियल के तेल में भिगो कर रखें और याद रहे ऐसा आपने एक लोहे के बर्तन में ही करना है। आप लोहे का बर्तन ले लें, उसमें आप नारियल का तेल डालें और उसमें डालें सूखे आमले और इन सूखे आमलों को कम से कम 3-4 दिन आप भिगो के रखें, देन बाद में आपने इस मिक्सचर को अपने हेयर्स पे करना है अप्लाई। इससे जो आपके हेयर्स हैं वो नेचुरली हो जाएंगे ब्लैक। तो मेरी नेक्स्ट सिंपल और इजी रेमेडी ये है कि आपने अनियन की स्लाइस को अच्छी तरह से अपनी रूट्स में रेगुलरली करना है रब। इससे जो आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो कम होना हो जाएगी स्टार्ट। तो ये बेस्ट और इजी रेमेडी है प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की। मेरी नेक्स्ट इजी रेमेडी ये है कि आपने लेमन जूस में आलमंड ऑयल को मिक्स कर देना है और इस मिक्सचर के साथ अपने स्कैल्प की अच्छी तरह से मसाज करनी है, अपने रूट्स की अच्छी तरह से मसाज करनी है। तो ये है इजी रेमेडी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करनी। तो मेरी लास्ट रेमेडी ये है कि आपने आमले का पाउडर ले लेना है और उसमें मिक्स कर लेना है आलमंड ऑयल और आलमंड ऑयल के साथ आपने पेस्ट रेडी कर लेनी है और इस पेस्ट को पूरे हेयर्स पे आपने अच्छी तरह से अप्लाई करना है। तो ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को करते हैं कम। तो ये है मेरी लास्ट रेमेडी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम के लिए। सो ये थी मेरी कुछ होम रेमेडीज प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। जरूरी नहीं है कि जिनको ये प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है उन्होंने ही इन रेमेडीज का यूज करना है, तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप वीक में इनमें से किसी भी होम रेमेडी का यूज कर सकते हैं अपने बालों के लिए जो काफी ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको भी इन फ्यूचर कभी भी ये प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और एक बार मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूं कि ये ना सोचे कि इन होम रेमेडीज का यूज करने के बाद रातों रात ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इनका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है, बट थोड़ा सा प्रोसेस होता है स्लो, इसीलिए आपको इनमें से किसी भी रेमेडी का यूज रेगुलरली करना होगा, तभी आपको मिलेंगे बेटर रिजल्ट। और जो आपके बाल ग्रे हो चुके हैं उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ेगी बिल्कुल भी नहीं अगर आप इनमें से किसी होम रेमेडी का रेगुलरली करते हो यूज। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट
कर लेना चाहिए। तो अगर हम होम रेमेडीज की बात करें, चाहे आप मेडिसिन भी ले रहे हो तो भी आप इन होम रेमेडीज का यूज अपने बालों पे कर सकते हो, क्योंकि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो कुछ ना करने की बजाय कुछ करना बेटर है, इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इनमें से किसी भी होम रेमेडी को डेफिनेटली करें ट्राई। और ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।